नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने असिस्टेंट लोडिंग क्लर्क, असिस्टेंट फोरमैन, स्टोर इशू क्लर्क के कुल मिलाकर 329 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं या डिप्लोमा पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 17 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.secl-cil.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के आईटीआई संस्थानों में 8098 सीटों पर नामांकन के लिए आज से होगी काउंसलिंग। राज्य के आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 8098 खाली सीटों पर आज से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत आज रविवार से काउंसलिंग शुरू होनी है। आपको बता दें कि इन सीटों पर उन्हीं छात्रों का नामांकन लिया जाएगा जो आईटीआई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 में सफल हुए थे। बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सभी आईटीआई संस्थानों में जनरल कैटेगरी के 3153, एससी के 1354, एसटी के 104, ईबीसी के 1386, बीसी के 1013, आरसीजी के 322, ईडब्ल्यूएस के 1041, इसके साथ ही एसएमक्यू कोटे के 1303 सीटें खाली हैं, जिन पर सफल छात्रों के ही नामांकन लिए जाएंगे। सिक्के से तैयार खिलौने दिलाएंगे बिहार को पहचान। आत्मनिर्भर भारत दिशा में देश भर में कल से शुरू हुआ इंडिया टॉय फेयर 2 मार्च तक चलेगा और इस फेयर में बिहार का प्रतिनिधित्व मधुबनी का सिक्की क्राफ्ट करने वाला है। यह पहली बार है जब ऑनलाइन आयोजित हुए खिलौना मेले में मधुबनी के सुधीरा सिक्की क्राफ्ट को एंट्री मिली है। इससे पहले यहां सिक्की से घरेलू उपयोग की चीजें बनाई जाती थी, वहीं आने वाले दिनों में सिक्की से बने खिलौने भी धूम मचाएंगे। समूह के संचालक सुधीरा देवी ने इस बारे में बताया है कि यह समूह कई दिनों से वर्चुअल मेले की तैयारी कर रहा है। मेले में सिक्की से तैयार हाथी, घोड़ा, गाय, मछली, कछुआ सहित कई खिलौने आकर्षण का केंद्र बनेंगे। वहीं टोकरी, फ्रूट बास्केट और मूर्तियां भी प्रदर्शनी में दिखेंगी। एचसी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पीडी ट्रायल पर दिया जोर। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े ने नए शताब्दी भवन का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों को भी देखा गया। इसके साथ ही कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संबोधित किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से जो भी प्रस्ताव आएगा हम उसे तुरंत ही स्वीकार करेंगे। सीएम नीतीश ने आगे ये भी कहा कि स्पीडी ट्रायल का काम तेजी से चलता रहेगा तो अपराध पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। कानून का राज स्थापित करना है तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए न्यायपालिका को भी सजग रहना है और सजा देना है। बिहार में गर्मी ने दी दस्तक। बिहार में ठंड के बाद अब गर्मी का आगमन हो गया है। इतना ही नहीं, फरवरी के महीने में ही बिहार में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी दर्ज की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में तापमान में और ज्यादा वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। जानकारों के मुताबिक तापमान बढ़ने की रफ्तार इसी तरह रही तो समय से पहले आ पहुंची गर्मी की वजह से बसंत के मौसम की विदाई भी समय से पहले हो सकती है। हालांकि हवा की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर रहने की वजह से ज्यादा धूप महसूस नहीं हुई। बिहार में अब चलेगा विशेष नामांकन अभियान। सरकारी स्कूल में छात्रों को अगली कक्षा में भेजने पर पिछली कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही कैचअप कोर्स की शुरुआत करने वाला है। इसके पहले बिहार में प्रवेशोत्सव अभियान चलाए जाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। खबरों की माने तो इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च से होने वाली है जो कि 20 मार्च तक जारी रहेगी। इस अभियान में 100 अभिभावक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी सेविका और जीविका समूह आपस में समन्वय स्थापित कर काम करेंगे। इसे विद्यालय के प्रिंसिपल सुनिश्चित करेंगे। पंचायती राज विभाग ने नल जल योजना को शुरू करने का जारी किया अल्टीमेटम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल को शुरू करने के लिए पंचायती राज विभाग ने अब सख्ती बढ़ा दी है, जिसके तहत पंचायती विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इस योजना के तहत जो भी गड्ढे खोदे गए हैं उन्हें हर हाल में भरना होगा। अगर एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो 15 दिनों के बाद उस पर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इस बाबत पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम, डीडीसी और पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। उसमें लिखा है कि जहां नल जल योजना बंद है उसे भी 7 दिनों के भीतर चालू करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी।
अब छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे कृषि विभाग के सभी कार्यालय। बिहार में रजिस्ट्री ऑफिस की तर्ज पर ही कृषि विभाग के सभी कार्यालयों को छुट्टी के दिन भी खोलकर रखा जाएगा। इसको लेकर विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी कार्यालय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण छुट्टी के दिन भी खुलेंगे। कृषि निदेशक ने इसे 28 फरवरी तक कार्यालय खोलने का आदेश दे दिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी के दिन में कार्यकाल में नियत समय पर उपस्थित रहकर योजनाओं और आवंटन संबंधी कार्य पूरे करने को कहा गया है। कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने अपने आदेश में कहा है कि आवंटन की निकासी और योजनाओं की प्रगति समय से करने के लिए ही छुट्टी के दिन कार्यालय को खोलने का आदेश जारी किया गया है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेबस को तैयार करेगी आईआईटी पटना। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेबस की जिम्मेदारी अब आईआईटी पटना की होने वाली है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज का मेंटोर आईआईटी पटना को बनाया गया है, जिसके बाद अब आईआईटी पटना कोर्स डिजाइन और कैंपस प्लेसमेंट के साथ ही हर पहलू पर काम करेगा। इसकी मंजूरी आईआईटी काउंसिल की बैठक में मिल गई है। सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में गुणवत्ता युक्त पढ़ाई के लिए यह योजना बनाई गई है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज की गोद लेने की जिम्मेदारी भी आईआईटी मद्रास को सौंप दी गई है। किसान के आलू को अब खरीदेगी बिहार सरकार। आलू के किसानों की लंबे समय से यह समस्या रही है कि उनके आलू का उचित दाम नहीं मिल रहा है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से अपनाया है, जिसके तहत ही अब बिहार के किसानों की मदद के लिए सरकार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत किसानों को आलू का सही दाम मिले इसके लिए ही धान के तर्ज पर आलू की खरीद करने की योजना पर काम हो रहा है। जानकारों की माने तो सरकार इन किसानों को बाजार से 2 रुपया अधिक भाव देने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप अब लाल आलू 950 और सफेद आलू 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। सरकार की इस निर्णय से 5 जिलों के हजारों आलू किसान लाभान्वित होंगे। पटना आईआईटी के छात्रों ने बनाया अनोखा इन्वर्टर। पटना आईआईटी के छात्रों ने अपने प्रयासों से एक बेहद ही खास इन्वर्टर तैयार किया। यह अनोखा इसलिए है क्योंकि इस इन्वर्टर को खास तौर पर सेना के जवानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस इन्वर्टर को किसी भी जगह पर आसानी से लेकर जा सकते हैं। वहीं इसकी मदद से कई दिनों तक बिजली के उपकरण को चलाया जा सकता है। इसके लिए खास लिथियम बैटरी तैयार की गई है और बैटरी और इन्वर्टर दोनों का वजन 15 से 16 किलो का है, जो एक अटैची की तरह होगा। सेना के जवानों को सियाचिन, लद्दाख एवं कश्मीर जैसे दुर्गम जगहों पर भी अब बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल में परेशानी नहीं आएगी। राज्य में निजी बैंक की शाखाओं की संख्या में हुई बढ़त। सूबे बिहार में बैंकों की शाखा खुलने में एक साल के अंदर इजाफा हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रमुख बैंकों की कुल 177 नई शाखाएं खोली गई हैं। इनमें से 110 शाखाएं सिर्फ प्राइवेट बैंकों के द्वारा ही खोली गई हैं। वहीं स्टेट बैंक सहित दूसरे सार्वजनिक बैंकों की 48 नई शाखाएं खोली गई हैं, जबकि माइक्रो फाइनेंस और भुगतान बैंकों के संयुक्त रूप से 19 ब्रांचेस खोले गए हैं। वहीं ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का कोई विस्तार इस दौरान नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार नई शाखाओं में से 40% ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी से राज्य में वित्तीय कारोबार भी बढ़ा है। बिहार के नए मुख्य सचिव हुए नियुक्त। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में अरुण सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। बिहार के विकास आयुक्त आईएएस अरुण कुमार सिंह इस जिम्मेदारी को अब संभालने जा रहे हैं। इनके अलावा बिहार गृह विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुभानी को इनकी जगह पर विकास आयुक्त बनाने की तैयारी है। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार सिंह फिलहाल बिहार के विकास आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिन्हें राज्य का अगला मुख्य सचिव बनाने की बात सामने आ रही है। सीबीएसई ने जारी किया सीटीईटी का रिजल्ट। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जो कि आधिकारिक वेबसाइट cteet.nic.in पर जाकर भी अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पेपर एक की परीक्षा में 12,47,217 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 4,14,798 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है, जबकि पेपर दो की परीक्षा में 11,04,454 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,39,501 परीक्षार्थियों ने ही क्वालिफाई किया था। आपको बता दें, सीबीएसई ने सीटीईटी 2021 का परीक्षा 31 जनवरी को लिया था। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही डीजी लॉकर में मार्कशीट को जारी किया गया है। बता दें कि सीटीईटी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर एक इंक्रिप्टेड क्यूआर कोड भी दे चुका है। बिहार में जल्द होगी 10,000 महिला पुलिसकर्मियों की बहाली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर अधिकारी तक खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत अब जरूरत को ध्यान में रखते हुए नए पद सृजित किए जाएंगे। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया की खासियत यह है कि इसमें महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या फिलहाल 23% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 3-4 वर्षों में इसे 30% से 35% तक पहुंचा दिए जाने पर जोर दिया जाएगा।
बिहार में सड़कों के किनारे लगे पेड़ को बचाने की पहल हुई शुरू। बिहार के शहरी इलाकों में सड़कों को पक्का करने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, जिससे हरियाली की रौनक कम होती जा रही है। हालांकि सरकार ने सड़क बनाने के साथ साथ हरियाली को भी बचाए रखने की विशेष नीति बनाई थी, जिसके तहत बिहार के शहरों में वायु प्रदूषण कम करने और पेड़ों की रक्षा के लिए सरकारी भवन एवं सड़कों के किनारे पक्का पेवमेंट के बजाय अब पेवर ब्लॉक बनाया जाएगा। परिषद की तरफ से आग्रह किया गया है कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए आवश्यक है कि पेड़ों के गिर्द पेवर ब्लॉक बनाया जाए, ताकि पेड़ों को पर्याप्त पानी मिल सके और वृक्षों को हरा भरा मजबूत रखने के साथ ही प्रदूषण स्तर को भी कम किया जा सके। बिहार में 1 मार्च से मुफ्त में बनेगा आयुष्मान कार्ड। अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाने के बारे में सोच विचार कर रहे थे, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप बिना पैसे खर्च किए आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। खबरों की माने तो 1 मार्च से कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। वर्तमान समय की बात करें तो इस कार्ड को बनवाने में 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तथा कॉमन सर्विस सेंटर के बीच इसके लिए MOU किया गया है। यह MOU बिहार सहित 10 राज्यों के लिए प्रभावी होगा। बिहार में जन्मजात हृदय रोग का होगा अब मुफ्त में इलाज। बिहार वासियों के लिए बिहार सरकार समय समय पर कई योजनाओं को लेकर आती है। इसी क्रम में अब सरकार ने एक और अहम ऐलान कर दिया है, जिसके तहत बिहार में जन्मजात हृदय रोग से प्रभावितों के अभिभावकों को महंगे इलाज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के सहयोग से गुजरात की संस्था प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन ने हृदय रोग का मुफ्त में इलाज करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, गुजरात आने जाने वाले रहने और खाने पीने तक का खर्च भी अब बिहार सरकार ही उठाने वाली है। इसको लेकर 4 मार्च को इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और 6 मार्च को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में शिविर लगाने वाली है। अब बिहार के हर ITI का होगा अपना भवन। ITI की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए अहम जानकारी। बिहार सरकार अब बिहार के तमाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाओं के विकास में जुट गई है। इसी कड़ी में सभी ITI को उनका अपना भवन भी मुहैया करवाने की कवायद में सरकार जुटती नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर अब तक काफी काम किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप फिलहाल बिहार के 50 ITI के लिए भवन बनाने का काम शुरू हो चुका है। 16 अन्य ITI के लिए भवन बनाने की योजना को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। गोवा से पहला ईसाई मिशनरी 1580 में अकबर के दरबार फतेहपुर सीकरी आया था। पश्चिम बंगाल में 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव का आविष्कार आज ही के दिन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इसी दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कोलकाता का हावड़ा पुल, जिसे रविन्द्र सेतु भी कहा जाता है, वो 1943 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का 1865 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ KM करियप्पा का 1899 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का 1936 में स्विट्जरलैंड में उन्होंने आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। बिहार में संभावित बढ़ती आबादी को लेकर बिहार सरकार ने की और पैसों की मांग। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हाल ही में आने वाले समय में बढ़ती आबादी को लेकर और पैसों की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने अनुपूरक बजट को जरूरत बताते हुए कहा है कि नगर निकायों के पुनर्गठन के बाद प्रदेश की शहरी आबादी में करीब 4% का इजाफा होगा। अभी वर्तमान में 11.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 31.2% है। शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार भी किए जाने पर जोर दिया गया है, जिसके बाद आने वाले समय में 142 से बढ़कर 258 निकाय हो जाएंगे। इतना ही नहीं, शहरी आबादी का फीसदी भी 11.30 से बढ़कर 15.28 हो जाएगा। ऐसे में अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ रही है। असम पहुंचे तेजस्वी यादव ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की कही बात। राजद नेता तेजस्वी यादव असम पहुंच गए हैं। असम में पहुंचने के बाद ही उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं यहां लोगों को सचेत करने आया हूं कि वो सांप्रदायिक ताकतों को फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि भाजपा असल मुद्दों की बात नहीं करती है, वो समाज को बांटने की बात करती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में मुद्दों पर बात होनी चाहिए। गरीबी, पलायन, भुखमरी, उद्योग, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और रोजगार सृजन जैसी बातों पर चर्चा नहीं हो रहा है। 2 मई को प्रशांत किशोर ने पिछला ट्वीट निकालने की कही बात। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन सभी चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी हालांकि तेज हो गई है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए एक अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। पश्चिम बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। ना यकीन हो तो 2 मई को मेरा पुराना ट्वीट निकालकर रख लेना।
पृथ्वी शॉ ने अपनी शानदार पारी से ट्रोलर्स को दिया जवाब। पृथ्वी शॉ ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते हुए शानदार पारी खेली है, जिसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में सभी बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तोड़ने का काम भी किया है। सोशल मीडिया पर उनको लेकर तमाम मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। एक ऐसे ही मीम को उन्होंने अपनी स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें लिखा है, एडिट करके इमेज तेरे भाई ने मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से शॉ ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कुछ खास नहीं कर पाए थे, जिसके बाद से ही वो लगातार फैंस के निशाने पर थे। बिग बॉस के रनर अप राहुल वैद्य अपनी गर्लफ्रेंड संग निकले वेकेशन पर। सिंगर राहुल वैद्य भले ही बिग बॉस का सीजन जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हो, मगर वो लोगों का दिल जीतने में जरूर कामयाब हो गए हैं। वहीं अब राहुल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन पर निकलने की जानकारी दी है। राहुल वैद्य ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और फोटोज को शेयर किया है, जिसमें वो और दिशा प्राइवेट चॉपर में वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि दिशा और राहुल में से किसी ने भी वेकेशन डेस्टिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया है। राहुल वैद्य जब दिशा परमार से पूछते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, तो दिशा कहती है कि हम वेकेशन पर जा रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए राहुल वैद्य ने लिखा, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, कुछ दिनों के लिए मुंबई से दूर अपनी क्वीन के साथ समय बिताने के लिए जा रहा हूं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है नजमुल हसन, विकी कुमार, पंडित अमित कुमार, अकेला शशिकांत, प्रिंस कुमार, मृत्युंजय कुमार, ओम कृष्णा, सोनी कुमारी, दिलीप कुमार, अजीमा फिरदौस, असलम राज, अमित कुमार यादव, अंकुश, कृष्णा कुमार, नीतीश कुमार, अंजू कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में कोरोना न बढ़े उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।